बातों का करो जो हकीकत में करना चाहिए। एक आंगनवाड़ी ही आंगनवाड़ी की टांग खींचने में लगी है, इसीलिए आज हम लोग इस तरीके से इधर उधर बैठते भूलते भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे? अरे संगठन किसी का भी है, हमारी बात हमारे हित की हो रही है, हम अपने संगठन से जुड़े रहेंगे, जब हमें जरूरत पड़ती तो संगठन का हम साथ दे देते। इसमें बुराई कौन सी है? तुम अपने गुरुजी को पकड़े बैठे हो, अपने गुरुजी को पकड़े रहो, लेकिन लड़ाई तो हमारे हक की लड़ी जा रही है। जिस दिन हमें जरूरत पड़ती है हम उनका सहयोग कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं, अपने गुरुजी के फिर पैर दबाओ रोज बैठ के, कोई हमें लेना देना नहीं है। लेकिन ये बातें अच्छी नहीं होती, किसी के मन से कहो, किसी के व्हाट्सएप पे कहो, किसी को गालियां दो, किसी के लिए बुराई करो, ये अच्छी बात नहीं। और हम बहनों इतना ही कहेंगे कि आगे भी लड़ने के लिए एकजुटता की बहुत जरूरत है। सरकार को भी दिखाना है कि बीएलओ को काम आंगनवाड़ी कितना अच्छा करती है। पहले वोटिंग होती थी तो 20% और 25% से ऊपर नहीं जाती थी कभी, और जिस दिन से आंगनवाड़ियों ने बीएलओ का काम शुरू किया बहन जी, 85% काम हुआ, 85% वोट पड़ा। और सरकार कहती है कि ये चोरों की फौज है, ये चोर इतना अच्छा काम करती है, फिर भी सरकार के कान से जू नहीं रेंगती है। क्यों नहीं रेंगती है? क्योंकि हम चोरों का ही साथ दे देते हैं कि यहाँ से भागे और देखा कि वो शायद बहुत अच्छा काम कर लेते, उनके साथ चले गए। और यही हम लोगों ने किया, शायद 800 रुपए अखिलेश सरकार ने दिए थे, अच्छे ही दिए थे, और अड़के बैठ जाते तो 8,000 मिल जाते। और आज भी अगर उसी का साथ दे देते तो दोबारा शायद मेहरबान हो जाती। ये सरकार चोरों की सरकार से तो आए दिन परेशान ही है और कुछ नहीं है। कहीं पनीरी कम मिली, कहीं ज्यादा मिली, कहीं बिक गई, कहीं खत्म हो गई, कहीं बच्चों तक नहीं पहुंची और चोर आंगनवाड़ी हो गई। और हमारे यहाँ तो ये तक कह दिया जाता है कि 200 रुपए दो, काहे कि बीजेपी सरकार के मुआइंदे रोज ना रोज कोई ना कोई जिले में पहुंच जाता है, उसका खाना खर्चा चाहिए, उसका फलाना चाहिए, उसका ठिमाका चाहिए, और सब बहनों 200 रुपए दीजिए। ये डीपीओ सीडीपीओ और सुपरवाइजर कहती हैं, और जिला का वो जिला अधिकारी ये कहते हैं कि ये बहुत आजकल धरना देने लगी हैं, इनको यहाँ बिठाओ एक दिन और सारी सारी सेवाएं समाप्त कर दो, अपने अपने घर बैठ जाएंगी। हमने कहा डीएम साहब से कह दो जाके कि जिस दिन सेवा समाप्त करे उस दिन वो भी होशियार हो जाए, इस कार्यालय में नहीं बैठ पाएंगे। तो बहनों लड़ने के लिए एकजुटता बनाना बहुत जरूरी है। काम वो करो जिसमें सफलता मिले, ऐसे काम करने से कुछ नहीं है कि चार घर में बैठी अपने जिस जिले से जिस ब्लॉक से आप जुड़ी हो, कम से कम उन बहनों से कहो आप किसी भी गुरु से जुड़ी रहो, किसी भी खुद से जुड़ी रहो, लेकिन जिस काम का बहिष्कार करना है वो मिलके सब लोग करो। हम अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देते हैं, एकता में बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद।